गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आपको आपसे रूबरू होकर हम भी अच्छे हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपका आपके चैनल आरपी पब्लिक स्कूल में। और जैसा कि हम आपको रोज़ कोई ना कोई नई वीडियो लेकर आते हैं, नया चैप्टर लेकर आते हैं, हिंदी का, इंग्लिश का या साइंस का, तो आज भी हम बहुत ही सुंदर एक पोएम लेकर आए इंग्लिश की। और इससे पहले हमने एक पोएम दी थी आपको हिंदी की, गा गा कर आपको पढ़ाई थी, बहुत ही सुंदर। अब देखिए, इंग्लिश को गाने गा तो सके लेकिन इंग्लिश की हम पे लय देखो, हम लोग अंग्रेज तो है नहीं ना, हम अमेरिका में रहते हैं, इटली में या ब्रिटेन में नहीं रहते कि अंग्रेजी जो गायक होते हैं ना वो ऐसे तो नहीं गा सकते, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे बढ़िया से आपको पढ़ाने की। और बहुत ही सुंदर पोएम है बच्चों, कक्षा 5 की, और पोएम का नाम है बी दी बेस्ट वट एवर यू आर। बी माने बनो, दी बेस्ट माने सबसे अच्छे, वट एवर जो कुछ भी, यू आर माने आप हैं, मतलब आप जैसे भी हैं, जो कुछ भी हैं वो सबसे अच्छे बन जाइए आप। ये पोएम हमें सिखा रही, बहुत ही सुंदर पोएम है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इसी तरह से बने रहिएगा अपने साथ, हमारे साथ, इस चैनल के साथ, और देखते रहिए ऐसी मस्त मस्त वीडियो, बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक और कुछ सिखाने वाली जो वीडियोज़ हैं, चैप्टर हैं, और जो हम पोएम पढ़ाते हैं उनमें कोई ना कोई संदेश छिपा होता है, कोई ना कुछ उसमें सीख होती है, कोई ना कोई प्रेरणा होती है, वो हमें इन किताबों से लेते रहनी चाहिए। क्योंकि किताबें एक तरह से कहा जाए कि जीवंत एक मार्गदर्शक होती हैं, वो हमें कहीं ना कहीं मार्गदर्शन देती हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखाती हैं। तो प्यारे बच्चों, किताबें केवल पढ़ने के लिए, केवल लिखने के लिए, पास होने के लिए नहीं है, किताबें हमारा उत्थान करने के लिए होती हैं, किताबें हमें ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए होती हैं, किताब हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए होती हैं बच्चों। इसलिए कभी भी अपनी किताबों का, अपनी पुस्तकों का, जो भी आपके पास बुक्स हैं, जो भी आपके स्कूल की हैं, कोई दूसरी बुक्स हैं, धार्मिक बुक्स हैं, उन सबको आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, उनका आदर करिए। और प्यारे बच्चे, एक बार फिर से इस वीडियो में, आज बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुनहरा, बहुत ही पावन पर्व है जिसे हम कहते हैं शिक्षक दिवस। तो दुनिया के सारे जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी गुरु हैं, जो भी मार्गदर्शक हैं, सभी को फिर से एक बार इस शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ, हार्दिक मंगल कामनाएँ, हार्दिक बधाइयाँ इस आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठहर की तरफ से। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब आपको सिखाएंगे इस पोएम को पढ़कर, इसकी मीनिंग बताएंगे, इसकी हिंदी बताएंगे कि क्या लाइन क्या बता रही है, हमें क्या बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए। तो आइए अब चलते हैं बुक की ओर। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम रुख करते हैं बुक की ओर, और ये क्लास 5th की बुक है, देखो दिख रहा है आपके लिए, अध्ययन सीरीज की इंग्लिश रीडर बुक। बहुत ही सुंदर जो पोएम हमने अभी आपको बताई थी वो अभी आपके सामने देखो, पढ़कर समझाते हैं, आपको सुनाते हैं। और जैसे कि हम बताते हैं कि कोई भी नॉलेज प्राप्त करने के लिए, कोई भी भाषा में जानकारी लेने के लिए हमें उसका जो शब्दकोश है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, तो हमारी जो उसमें कमांड है वो अच्छी हो जाती है। तो इसी के लिए हम सबसे पहले इसके पढ़ लेते हैं बच्चों मीनिंग। देखिए, लेसन नंबर 9 है और लेसन का नाम है बी दी बेस्ट वट एवर यू आर। बी माने हो जाइए, बनिए, दी बेस्ट माने सबसे अच्छे, वट एवर जो कुछ भी, यू माने आप, आर माने हैं, यानी आप जो भी हैं सबसे अच्छे बनो, श्रेष्ठ बनो। ये इस कविता का मोटिव है, इसका मतलब है, मीनिंग है। तो चलिए अब हम मीनिंग पढ़ते हैं बच्चों इस चैप्टर के, बहुत ही सुंदर कुछ मीनिंग दिए हैं। देखिए, पहला वर्ड लिखा है बच्चों पाइन, पी यानी पाइन। पाइन का मतलब होता है चीड़ का पेड़, चीड़ की लकड़ी होती है, इसमें बहुत सारा तेल बताते हैं वो लोग, पुराने लोग, कि उसके पेड़ में चीड़ के पेड़ में तेल अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसकी लकड़ी खूब जलने में बहुत सुंदर होती है, बहुत अच्छी होती है, हल्की भी होती है, ऐसा ही बताते हैं जानकार लोग। फिर लिखा देखो श्रब, SHRUB श्रब, श्रब माने होती है झाड़ी, श्रब माने क्या होता है बच्चों, झाड़ी होती है। फिर लिखा है वैली, VALLEY वैली, वैली में होती है घाटी। अब घाटी का मतलब जैसे पहाड़ों से घिरा हुआ एक क्षेत्र होता है, बीच का मैदान, उसको घाटी कहते हैं, चारों तरफ पहाड़ है, बीच में कोई मैदान खाली है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, घाटी बोलते हैं उसे, इंग्लिश में कहते हैं वैली। फिर है ट्रेल, TRAIL ट्रेल, ट्रेल माने पगडंडी। अब पगडंडी आप आज के ज़माने के बच्चे नहीं समझते होंगे, तो पगडंडी बच्चों एक कच्चा रास्ता होता है जिसमें हम लोग पैदल जाने का काम करते हैं, पैदल जाते हैं, जिस पर जिसे मेड़ कह सकते हैं, कच्चा रास्ता कह सकते हैं, पतला सा रास्ता कहीं जाने के लिए है किसी भी क्षेत्र में, जंगल वगैरह में इस तरह के रास्ते होते हैं, उसे कहते हैं ट्रेल या फिर पगडंडी। अब बच्चों ये बहुत इसके मीनिंग हो गए, हमें उम्मीद आपको समझ में आए होंगे और आपको याद भी आते हो गए होंगे। अगर नए हुए हैं तो आप घर पर याद कर लेना, चार ही मीनिंग है, बहुत छोटे हैं, क्योंकि पोएम छोटी है तो मीनिंग भी कमी दिए हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पोएम, बहुत ही सुंदर पोएम बच्चों, ध्यान से समझिएगा और को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो लिखा है, इफ यू कैन नॉट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ अ हिल। इफ माने अगर, यू माने आप, कैन नॉट माने नहीं सकते, बी माने बनना या होना, पाइन माने चीड़ का पेड़, ऑन माने पर, द टॉप माने चोटी, ऑफ माने की, द हिल माने होती है पहाड़ी। अगर आप पहाड़ी की चोटी पर, पहाड़ी की ऊंचाइयों पर एक चीड़ का पेड़ नहीं बन सकते, तो बी आर श्रव इन द वैली,
बी माने बन जाओ, असरफ माने झाड़ी, हिंदी वैली माने घाटी में, तो कम से कम घाटी में एक झाड़ी ही बन जाओ। कहने का मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा ऊँचाई, बहुत ज़्यादा बड़े इंसान नहीं बन सकते, कम से कम इतने तो बन जाओ कि दूसरों की कुछ हेल्प कर सकूँ। बट बी द बेस्ट लिटिल श्रब, बट लेकिन बी माने बनो दी बेस्ट, सबसे अच्छी लिटिल माने छोटी, श्रब माने झाड़ी। देखो कभी कितनी अच्छी बात बता रहा है कविता की लाइनों के माध्यम से कि इफ़ यू कैन नॉट बी अ पाइन, अगर आप एक चील का पेड़ नहीं बन सकते ऑन द टॉप ऑफ अ हिल, टॉप माने चोटी पर, ऑन माने पर, ऑफ माने की हिल माने पहाड़ी, अगर आप पहाड़ी की चोटी पर एक चीड़ का पेड़ नहीं बन सकते तो बी आ श्रब इन दी वैली, बी माने बन जाओ, श्रब माने झाड़ी, इन माने में दी वैली माने दी घाटी, तो आप घाटी में कम से कम झाड़ी बन जाओ। लेकिन लेकिन बट माने लेकिन बी माने बनो दी बेस्ट लिटिल श्रब, भले आप छोटी झाड़ी बने लेकिन सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी झाड़ी बने, जैसे कि लोग आपको देखें, आपका यूज करें। ऑन द साइड ऑफ द हिल, ऑन माने पर, साइड माने के किनारे, तरफ ऑफ द हिल माने पहाड़ी की, आप झाड़ी बनो कोई दिक्कत नहीं, वैली की घाटे की झाड़ी बन जाओ, लेकिन कम से कम पहाड़ी की साइड में सबसे अच्छी झाड़ी बन के दिखाइए आप। यानी कि आप भले ही ज़्यादा ऊँचाई पर, ज़्यादा ऊँचे पद पर ना पहुँच पाएँ, लेकिन जो भी आपके पास पद है, जो भी आपके पास काम है, जो भी आप कर रहे हैं, कम से कम उसमें आप उतना अच्छा बन जाए जितना आप अच्छा कर सकते हैं, जितना आप अच्छा बन सकते हैं, श्रेष्ठ बन सकते हैं, जो भी आपके अंदर है वो सब बन के दिखाइए, मतलब जो भी आप उसमें हैं। ये कभी कहना चाह रहा है, बहुत ही सुंदर बात। अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऐसे पढ़िए कि आप लोग कहें, आपके आसपास के लोग कहें कि हाँ ये बच्चा पढ़ने वाला है, ये बच्चा बहुत सुंदर है, ये बच्चा बहुत अच्छी बातें करता है, बहुत ध्यान से पढ़ता है, किसी के सामने फालतू बोलता नहीं है, फालतू खेलता नहीं है, फालतू काम नहीं करता उल्टे सीधे, ये सब लोग कहें, यानी कि जो भी आप हैं वो सबसे अच्छे बन जाएँ। बहुत ही सुंदर कविता की लाइनें हैं। आगे कवि ने कहा, देखिए, इफ यू कैन नॉट बी द हाईवे देन जस्ट बी अ ट्रेल, इफ अगर यू माने आप कैन नॉट बी नहीं बन सकते, द हाईवे माने होता है राजमार्ग, अगर आप राजमार्ग नहीं बन सकते, यानी कि आप बड़ा रास्ता नहीं बन सकते, सड़क नहीं बन सकते, देन माने तो या तब जस्ट बी अ ट्रेल, तो कम से कम एक पगडंडी ही बन जाओ, एक छोटा रास्ता ही बन जाओ। If you cannot be the sun, be a little star. कभी कह रहा है, इफ माने अगर, यू माने आप, कैन नॉट माने नहीं सकते, भी माने बनना या होना, द सन माने सूरज, अगर आप सूरज नहीं बन सकते तो कम से कम बी अ लिटिल स्टार, एक छोटे से, भी माने हो जाओ लिटिल, छोटे से स्टार में सितारे, तो कम से कम एक छोटे से तारे बन जाओ, छोटे सितारे बन जाओ, जो कि सितारों को देख कर भी आँखों को सुकून मिलता है, दिल को सुकून मिलता है, कैसे रात में टिमटिमाते हैं, इतने ध्यान से आप सूरज को नहीं देखेंगे, चंद्रमा को नहीं देखेंगे, जितने कि आप सितारे नीले आकाश में टुटमाते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। तो वही कवि कह रहा है कि आप जो भी हैं उसमें आप श्रेष्ठ बनकर दिखाइए। इट इज़ नॉट बाई साइज दैट यू विन और फेल, इट इज़ नॉट बाई साइज, ये कोई साइज का मामला नहीं है, इट इज़ नॉट, ये नहीं है बाई साइज, मैंने आकार, मतलब आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिस भी आकार के हैं, ये बात आकार पर निर्भर नहीं करती कि यू विन और फेल, कि आप जीते हैं, यू माने आप, विन माने जीतना, फेल माने फेल हो जाना, असफल होना, कि आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं, यानी कि आपकी जो हार या जीत है उसका साइज से कोई मतलब नहीं, आपके आकार से कोई मतलब नहीं, आपके आकार पर निर्भर नहीं करते आप छोटे हैं कि बड़े हैं, बस बी दी बेस्ट वट एवर यू आर। लेकिन इस बात पर फर्क पड़ता है कि बी द बेस्ट, सबसे आप अच्छे बन जाइए, बी माने बन जाइए, द बेस्ट माने सबसे श्रेष्ठ अच्छे, आप सबसे श्रेष्ठ बनिए, सबसे अच्छे बनिए, वाट एवर माने जो कुछ भी, यू माने आप, आर माने हैं, आप जो कुछ भी हैं उसमें आप सबसे अच्छे बन जाइए, आप किसी भी आकार के हैं, छोटे हैं बड़े उससे मतलब नहीं है, आप छोटे हैं तो जाहिर सी बात है पढ़ रहे होंगे, या और छोटे हैं तो खेल का काम कर रहे होंगे, या घर में रह रहे होंगे, थोड़े किशोर अवस्था में होंगे तो आप हाईस्कूल इंटर कर रहे होंगे, या छोटा मोटा कोई काम सीख रहे होंगे। कहने का मतलब कवि का है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आप हैं, जो भी आपके पास जिम्मेदारियाँ, जो भी आपके पास खूबी है, आप उसमें श्रेष्ठ हो जाइए, आप छोटे हैं बड़े हैं कोई दिक्कत नहीं, बूढ़े हैं तो बूढ़े में भी कोई ना कोई खूबियाँ होती हैं, कोई ना कोई टैलेंट होता है, तो आप उसमें श्रेष्ठ बनिए। आप युवा हैं तो युवा तो कहते हैं जिधर युवा मर जाए उस देश की तकदीर ही बदल जाती है, तो आप युवा हैं जो भी इसमें काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई अपना काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, या पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, या पढ़ा रहे हैं, तो आप उसमें श्रेष्ठ बनिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें मतलब आपको श्रेष्ठ बनना है, सबसे सुंदर बनना है, सबसे होनहार बनना है, कोई ये नहीं कह पाए कि ये बंदा ये काम करता है और उसमें ये कहीं ना कहीं खामी है या फिर कमी है। तो हाँ बच्चों, ये हमें कविता सिखाती है कि हम जो भी हैं उसमें हम श्रेष्ठ हो जाएं, उसमें हम परिपक्व हो जाएं, उसमें मैच्योर हो जाएं। कितनी सुंदर देखो ये कविता है, कितना सुंदर का संदेश है। हमें उम्मीद है सारे बच्चों को कविता अच्छे समझ में आई होगी, या जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको भी इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिली होगी।
तो हमें आशा है कि आप जरूर इस चैनल को देखेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल के लिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। वैसे तो हमें उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा जहाँ तक ये वीडियो जा रही है, फिर भी अगर नहीं किया है तो आपसे एक तरह से सलाह है या निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर कर दें, इससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके अच्छी अच्छी बातों का। और प्यारे बच्चों, एक बात हम रोज़ कहते हैं कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, या कहीं हमारे पढ़ाने में कोई कमी हो, या आपको कौन सी बात हमारी अच्छी लगी, या कुछ और आपको इस संबंध में कुछ विशेष चाहिए, कोई सलाह चाहिए, तो कृपया आपसे निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट जरूर भेजिएगा, जो भी आपको आपको समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ लाइन लिख के कि वीडियो अच्छी लगी, यहाँ पे ये होना चाहिए, आपको ये ऐसे पढ़ना चाहिए, आपने यहाँ पे ये मिस्टेक कर दी, जो भी आपको जो भी समझ में आ रहा है आप ज़रूर इसमें बच्चों कमेंट करके भेजिए और हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे और उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारा उत्साह बढ़ेगा और अगर कोई मिस्टेक रह गई, कोई कमी रह गई है, तो हम उसमें और ज़्यादा इजाफा करने का प्रयास करेंगे, आपको और अच्छा देने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ अपने चैनल आरपी पब्लिक स्कूल के साथ में, और हम आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देते रहेंगे और आपके ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब बात आती है होमवर्क की। तो होमवर्क में हमने जो आपको मीनिंग पढ़ाए थे, ये मीनिंग आपको याद करने हैं, और ये जो हमने पोएम पढ़ाई है, ये पोएम आपको बोल बोल के अपने जो घर पर आपके मम्मी हैं, पापा हैं, बड़े भाई हैं, भाभी हैं, उनको बोल बोल के आपको पढ़ कर सुनानी है, जिससे कि उनको लगे कि हमारा बच्चा जो है अच्छे से पढ़ रहा है, पढ़ना आ रहा है, मेहनत कर रहा है, उनका भी दिल खुश हो जाए। देखिए, जब बच्चे बोल बोल कर पढ़ते हैं, कुछ अच्छा सुनाते हैं, नंबर अच्छे लाते हैं, तो जो उनके गार्जियंस हैं, जो उनके मम्मी पापा जो पढ़ा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, उनका दिल थोड़ा खुश हो जाता है, उनके मन में खुशी होती है कि हम अपने बच्चे पर पैसा ठीक खर्च कर रहे हैं और उसको हम आगे बढ़ाएंगे, ऐसा उनके अंदर भाव उत्पन्न रहता है, बना रहता है। तो प्यारे बच्चों, आपकी भी यही कोशिश रहनी चाहिए, अपने बड़ों को खुश रखना चाहिए, पढ़ पढ़ के हमें अच्छा इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए, जैसे कि इस कविता में बताया गया। तो हमें उम्मीद है आप इस कविता में बताई गई सारी बातों पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। आगे हम और भी ऐसी वीडियोज आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।